वृंदावन में राधा और कृष्णा का मिलना फिर बिछड़ना कुछ कुछ कबीर और जारा की कहानी की तरह है ना। इन दोनों का भी कभी मिलना कभी बिछड़ना, अब अंत में इन दोनों का मिलन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो फिर से बिछड़ गए हैं ना ये दोनों। फिर टूटा कबीर जारा का रिश्ता, फिर पड़ गई दोस्ती में दरार, फिर अलग हुई दोनों की राहें। पर जैसे ही दोनों करीब आने लगते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते दोनों की बात बिगड़ जाती है। अब देखिए ना कितना अच्छा चल रहा था कबीर जारा की दोस्ती का रिश्ता, लेकिन एक फॉर्म ने सब बिगाड़ कर रख दिया। अरे यार, हमेशा वो अपने मन से करती है, हमसे कहती है कि बीवी के हक से हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन दोस्त क्या क्या घंटा, पार्डन माय लैंग्वेज, बट जब मेरी बीवी थी तो कहाँ वो मेरी बात मानती थी। आज दोस्त है तो वही कर रही है, तो हम उससे कहते थे, मुँह से निकल जाता कि तुम हमारी बीवी नहीं हो, जो फिर से शुरू करी हो, हमारे पूछे बिना हमारा नाम कॉम्पिटिशन में डाल रही है। जारा तो कबीर का साथ देना चाहती थी, इसीलिए उसने एक कुकिंग कॉम्पिटिशन में कबीर का नाम लिखवा दिया। और जब कबीर को इस बात का पता चला तो गुस्से से आग बबूला होकर पहुंच गया जारा के पास उससे सवाल जवाब करने। जो चीज आप अच्छे करती हो लाजमी बात है कि हमेशा वो करना चाहिए। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पर हो सकता है आप वो चीज अच्छी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाहर जाके करो दुनिया के सामने। आप सबको पता होगा कबीर बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो एक लजीज खाने का कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसी उस कॉन्टेस्ट में मैंने कबीर का नाम लिख दिया विदाउट हिज परमिशन। लगता है कबीर अब तक जारा को समझ नहीं पाए, इसीलिए बात बात पर भड़कने लगते हैं। और आज तो कबीर ने इतना कुछ बोल दिया जारा को कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया और जारा ने कबीर से अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया, यानी बनता हुआ रिश्ता फिर बिगड़ गया। हमारे मन की इच्छा नहीं है, ठीक है ना, हम चाहते कि हम कुछ चीजें करें, जारा के अब्बा का कर्जा अदा करें, लेकिन इस जरिए से नहीं। एंड कबीर जब मेरा दोस्त मैंने मान लिया उसको और मैंने जब अभी कोशिश की कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि मुझसे बिना पूछे फॉर्म क्यों भरा। मुझे लगा कि मेरा उस पे हक है इसलिए, लेकिन ठीक है फिर भी मैंने सॉरी बोला। बात बढ़ती गई और दोस्ती टूट गई। खैर, जारा ने भी कुछ बातें कबीर को समझाई हैं। हो सकता है अकेले में कबीर उस बात पर गौर फरमाए और लजीज कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले। आज तक ब्यूरो।